जब आप अंदर से खूबसूरत होते हैं ना, तो एक छोटी सी स्माइल भी सीधा दिल तक जाती है। लेकिन अगर चेहरे पर मौजूद छाइयां, पिगमेंटेशन, हाइपरपिगमेंटेशन, जगह जगह डार्क स्पॉट्स आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रही हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, वो जो डार्क पैच बन जाता है आपके चेहरे पर, जिसे छाइयां जाइयां कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में इसे कहते हैं मेलास्मा, हाइपरपिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन या फ्रेकल्स। समटाइम्स ये आपके गालों और माथे तक महदूद होती है, लेकिन अक्सर चीन पर और नाक पर आंखों की गिट भी हो जाती हैं। अगर इन्हें मजीद इग्नोर किया जाए तो ये पूरे चेहरे पर भी फैल जाती हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपके चेहरे पर हल्का सा भी डार्क निशान होने लगा है, तो एक्टिव हो जाएं और इस सिंपल डार्क स्पॉट्स को सीरियस ले लीजिए। मेरी रेमेडीज के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि मैं अपनी रेमेडीज को इस तरह से मिक्स एंड मैच करती हूं कि 100% यूजफुल रिजल्ट्स देते हैं। अगर रेमेडीज से भी आपकी डार्कनिंग, डार्क पैच, डार्क स्पॉट कम नहीं हुआ, तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, इग्नोर मत करें। तो चलिए देखते हैं कि इस मैजिकल रेमेडी को कैसे तैयार किया जाता है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो बता दूं मैं हूं शुमाइला और ये है शुमाइला ग्लैम यूट्यूब चैनल, जहां मैं डेली बेसिस पर अपने सब्सक्राइबर और फॉलोअर यानी के यूट्यूब और फेसबुक फैमिली के लिए एक वीडियो अपलोड करती हूं, जो होती है हेल्थ केयर, स्किन केयर और हेयर केयर के मुतालिक। अगर आप भी अपनी पसंद की या अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, तो जल्दी से नीचे रेड बटन सब्सक्राइब का है उसे प्रेस कीजिए और मेरे पेज को फॉलो कीजिए और बन जाए हमारे फैमिली का हिस्सा। आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूजफुल रेमेडी, जिसे इस्तेमाल करके यकीनन मेरी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली के स्किन को लेकर बहुत से प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं। तो रेमेडी में यूज करेंगे सबसे पहले आलू। आलू आपके स्किन एज के लिए बहुत पावरफुल है। ये प्री मेच्योर एजिंग के साइंस जो होते हैं, वो आपके चेहरे पर आने ही नहीं देता। लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और डार्क मास्क के लिए, डार्क पैचेस के लिए, डार्कनिंग को दूर करने के लिए इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। तो आलू को स्लाइसेस में कट कर लीजिए और ब्लेंडर में ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट ले लीजिए कुकम्बर। खीरा आपकी स्किन को ना सिर्फ सूथ करता है, आपकी स्किन को रिलैक्स करता है, स्मूथ करता है, बल्कि आपकी ओपन पोर्स पर भी बहुत अच्छा हुआ करता है। अगर आप इमीडिएटली इंस्टेंट अपने ओपन पोर्स को श्रिंक करना चाहते हो, तो सिंपली आपके लिए एक कुकम्बर इनफ है। तो इसे भी स्लाइसेस में कट कर लीजिए और आलू के साथ ब्लेंडर में ऐड कर दीजिए। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए हाफ कप अरके गुलाब। अगर आपके पास अरके गुलाब यानी कि रोज वाटर मौजूद नहीं है, तो आप सिंपली प्लेन वाटर भी ऐड कर सकती हैं। अब इन्हें ब्लेंड कर लीजिए। लो जी, ब्लेंड हो चुका। अब इस आलू और खीरे के मिक्सर को छान लीजिए। ब्यूटीफुल, जितनी भी ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजें होती हैं ना, ये ना सिर्फ अट्रैक्टिव होती हैं, बल्कि उतनी ही यूजफुल होती हैं। ऑर्गेनिक होने की वजह से थोड़ा सा स्लो इसका प्रोसेस होता है, लेकिन बहुत पावरफुल होता है। ये जूस स्किन कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन चीज है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेस्ट क्लींजर बेसन। तो ऐड कर लीजिए 2 चम्मच बेसन। नेक्स्ट ऐड कर लीजिए विटामिन सी पाउडर, लीमू या माल्टे के छिलके का पाउडर 1 चम्मच। मिक्स कर लीजिए और पेस्ट बना लीजिए। ये पैक अगर आप डेली बनाकर लगा लेते हैं ना, तो यकीन माने हर किस्म के बॉडी की डार्कनेस जो है ना, वो आपकी खत्म हो जाएगी। 100% गारंटी से मैं कहती हूँ। मैंने इसमें लेमन ऐड नहीं किया, क्योंकि लेमन समटाइम्स आपको एलर्जी करता है। ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बहुत पावरफुल रेमेडी है। आपने इसे जरूर लगाना है और मेरे साथ इसके रिजल्ट शेयर करने हैं। अगर आप डेली ये जूस बार बार नहीं बना सकती, तो आप एक दफा खीरे और आलू का जूस बनाकर फ्रिज कर ले, आप लॉन्ग टाइम के लिए इसे स्टोर कर सकती हैं। तो डेली मॉर्निंग पैक लगाकर 20 मिनट का वेट कीजिए और वॉश आउट कर लीजिए। मॉर्निंग से ये पैक स्टार्ट करेंगे ना, तो यकीन माने उतना ही खूबसूरत दिन होने वाला है, उतनी ही स्किन आपकी खूबसूरत होने वाली है। यकीनन आपको आज की रेमेडी बहुत पसंद आई है, तो जल्दी से वीडियो लाइक कर लीजिए। अगर आपके फैमिली और फ्रेंड जोन में किसी को इस वीडियो की जरूरत है, तो शेयर भी कर दीजिए। रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो मैं मिलूंगी कल एक नए मैजिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।